आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर अपने कमेंट्स के अंदर सब्सक्राइबर अलर्ट डाल सकते हैं कि जो लोग आपकी लाइव स्ट्रीम के अंदर सब्सक्राइब करेगा आपके चैनल को तो उसको उसका अलर्ट या उसका थैंक यू का मैसेज या थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग का मैसेज आपके लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स के अंदर उस पर्सन को दिखाई देगा। इससे होगा क्या कि इससे लोगों पर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये आप लोग जस्ट एक वन टाइम आपको करना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपने वन टाइम कर दिया, आप चाहे किसी भी ऐप से करें, किसी भी मोबाइल से स्ट्रीम करें, पीसी से स्ट्रीम करें, जब भी कभी भी आप स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सब्सक्राइबर अलर्ट कमेंट के अंदर दिखाई देगा। और इससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा कि वो एक पर्सन अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब के अंदर उसको अपना मैसेज जब शो होगा तो जब कोई दूसरा पर्सन आपके कमेंट्स में देखेगा तो वो कहेगा कि भाई इस पर्सन का शो हो रहा है तो मेरा भी क्यों ना शो हो, तो वो भी डेफिनेटली आपकी कमेंट्स के अंदर सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करेगा और उसको भी उसका मैसेज शो होगा। तो चले चलते हैं हम इस वीडियो में कि किस तरह हम सब्सक्राइबर अलर्ट ऐड कर सकते हैं। आपने अपने ब्राउज के अंदर आ जाना है, आपने स्ट्रीम एलिमेंट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन होगा, आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और आपने उस यूट्यूब चैनल से लॉगिन हो जाना है जिस यूट्यूब चैनल के साथ आपने लाइव स्ट्रीम करनी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल के साथ लिंक हो जाएंगे, उसी चैनल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप उसी चैनल के साथ यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चैटबॉट। चैटबॉट के अंदर आपने क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको चैटबॉट नज़र आ रहा होगा। चैटबॉट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मॉड्यूल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये चैट अलर्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसके अंदर ऑन होगा या ऑफ होगा, तो आपने करना क्या है इसको ऑन कर देना। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर इनेबल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग यूज़र, तो यहाँ पर यूज़र के अंदर उस यूज़र का नाम आएगा और यहाँ पर जो मैसेजेस लिखे हुए हैं इस मैसेज की जगह पे आप कोई और मैसेजेस भी दे सकते हैं, कोई अपनी तरफ का मैसेज भी दे सकते हैं। और यहाँ पर टिप्स के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी, मेंबर्स को ज्वाइन करेगा तो वो भी उसका भी अलर्ट आएगा आपकी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स के अंदर, और एडमिशन के अंदर भी कोई चीज़ आएगी तो वो भी आपके पास आ जाएगी। तो आपने सब्सक्राइबर अलर्ट का करना था। ये करने के बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है, लेफ्ट राइट साइड पे आपको बोट सेटिंग नज़र आ रही है तो यहाँ पर ज्वाइन चैनल नज़र आ रहा है, ज्वाइन चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब ज्वाइन चैनल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आइकॉन आपके सामने आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ से ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है ना जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इसको ऐसे कॉपी करने के बाद आपने अपने चैनल के ऊपर चले जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है अपने चैनल में, आपने अपने चैनल के अंदर चले जाना है। चैनल में यहाँ पर जाने के बाद आपने कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अपने कस्टमाइज चैनल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पर अपने चैनल के अंदर आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये नीचे जो आपको सेटिंग नज़र आ रही है ना तो आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपको कम्युनिटी का बटन नज़र आ रहा है, आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर वो जो आपने लिंक कॉपी किया है इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, ये आपको स्ट्रीम एलिमेंट नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कई दफ़ा ये नज़र ना आए तो एलिमेंट्स का जो लास्ट वाला एस है ना आपने इसको बैकस्पेस से ख़त्म करना है, फिर दोबारा एस डालना है तो ये स्ट्रीम एलिमेंट का ऑप्शन आपके पास नीचे आ जाएगा। आप इसको आप इस क्लिक करेंगे तो ये देखो ये आपका मॉडरेटर बन गया है, तो आपने इसको मॉडरेटर में ऐड लाजमी कर देना है। जब आप इसको मॉडरेटर बना देंगे और यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे तो सब्सक्राइबर अलर्ट आपके पास शो हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अब लास्ट की एक टिप को आपने लाजमी जहन में रखना है। इससे होगा क्या कि जब आप अपनी लाइव स्ट्रीम करेंगे तो ये अनलिस्टेड पे भी शो नहीं होगा, प्राइवेट में भी शो नहीं होगा। ये किस में शो होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जब आप पब्लिक लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें शो होगा, और ये 2 से 4 से 5 मिनट के बाद शो होता है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने करना क्या है, आपने अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन रखना है। 2 से 4 मिनट के बाद आपके कमेंट्स में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि बॉट इज़ रनिंग, तो वो आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो तो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू लोग आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।